नमस्कार, बिहारी प्रतिभा न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार बड़े पैमानों पर एजुकेशन को लेकर फेयर लगा हुआ है, एडमिशन को लेकर। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से किस तरीके से भीड़ है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं और एडमिशन काउंसलिंग को लेकर यहाँ पे फेयर लगा हुआ है। बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट से जो है ना, सभी टाइप का बच्चे आए हुए हैं, इंजीनियरिंग के लिए, एमबीए के लिए, पीजीडीएम के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सभी टाइप के बच्चे यहाँ आए हुए हैं। खासतौर पर बिहार के बच्चों को क्या कुछ कहना चाहिए? बिहार के बच्चों को यही कहना चाहते हैं, ऐसे सिंगल में यदि कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कहीं कहीं घूमना पड़ता है। आज हमने 100 कॉलेज को एक जगह ला करके ये मतलब एक स्टैंड दिया है, उसमें सभी बच्चे जो है सो आकर के अपना इस टाइप का ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये हम फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, A to Z। देखो, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी 11:30 बजा है और अभी तक 600 बच्चे जो है विजिट कर चुके हैं और अनुमानता है कि 2025 जी भीड़ है और ये कुछ नहीं है, अभी और लगने वाला है। अच्छा, क्या सोच करके आपने सारे प्लेटफॉर्म के बारे में, क्या खास वजह है? खास वजह यही है कि हम लोग को जो है सो सबसे बड़ी बात है, बच्चे जैसे बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता जहाँ तहाँ ट्रेन से जाते थे, घूमते थे, लेकिन आज पूरे भारत के कॉलेज को जैसे निकवार पुणे यूनिवर्सिटी हुआ, ठीक है, जिसमें बीटेक सिविल इंजीनियरिंग उससे बढ़िया किसी का नहीं पढ़ाया होता है, ठीक है। तो ऐसे को हमने जो है सो प्लेटफॉर्म दिया है। सर, बहुत सारे फ्रॉड कॉलेज है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? फ्रॉड कॉलेज है तो इससे मतलब कि वो तो ब्लैक लिस्ट सरकार कर ही देती है जो फ्रॉड कॉलेज होते हैं, इससे हम लोग क्या बच्चों को क्या संदेश देंगे कि उससे बचना चाहिए? हाँ, उससे UGC का अपना जो 44 यूनिवर्सिटी फर्जी है वो सब जो है दिया हुआ है, वो देख ही करके उसको ये करना चाहिए। देखिए, हर स्थिति में खास करके शिक्षा जरूरी है जी, और शिक्षा बिना जिंदगी अधूरी है। तो हम लोग जान बुझ करके पूरे बिहार भर में ये संदेश दिया कि 23 अप्रैल को शिक्षा समागम मेला लगाएंगे, जिसमें भारत भर से हर कोचिंग संस्थान के यूनिवर्सिटी के लोग आएंगे और जो आप देख रहे हैं प्रस्तुत है, क्योंकि सब कोई आगे बढ़ गए, लेकिन खास करके जो अनुसूचित जाति में मुसर समाज है उसको भी जगाने के लिए हमने प्रयास किया और उनको भी, क्योंकि वो शिक्षा से बहुत कोसों दूर है, तो उनको अगर शिक्षा का दरवाजा मिले तो कहाँ मिले, कैसे मिले, इसके लिए हमने एक शिक्षा समागम A to Z के माध्यम से लगाया और उसमें सभी यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ पर। सर, इतना बड़े पैमानों पर पूरा बिहार में एजुकेशन काउंसलिंग का ये जो फेयर लगा हुआ है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सोच रहे हैं कि अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए, ये बिहार से काफी जनता महाराष्ट्र में आती है जी। आप सभी लोग जानते होंगे कि पुणे मराठी में कहावत है कि विद्या का महर है, एजुकेशन का सबसे बड़ा हब है जी। तो ये जो निकमार यूनिवर्सिटी की तरफ से हम आए हुए हैं, निकमार यूनिवर्सिटी हमारा लास्ट 40 साल से मार्केट में है जी। हमारा सबसे अच्छा जो कोर्स चलता है सिविल इंजीनियरिंग के सारे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स चलते हैं। इस बार पहली बार हमने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और इंटीग्रेटेड MBA लॉन्च किया है, तो इसीलिए हम आए, हम चाहते हैं कि बिहार की जनता के भी लोग हमारे पास आए, अच्छे से पढ़ाएं, पढ़े लिखे करें और अच्छे से उनकी जॉब मिले, क्योंकि हमारे जो सारे कोर्सेज है वो सारे कोर्सेज है जो आपको प्लेसमेंट बेस देते हैं, जो कंपनी की ज़रूरत है कंपनी के हिसाब से हमने कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए, उसके हिसाब से हमने बनाया हुआ, तो जो भी कंपनी हमारे तरफ आती है, जो भी बच्चा हमारे पास आता है उसको 100% प्लेसमेंट एश्योरेंस हमारे पास होता है। सर, बिहार में पहली बार इतना बड़े पैमानों पर बहुत सारे कॉलेजों का फेयर लगा हुआ है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा A to Z जिन्होंने ये मौका दिया है हम लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को आने का और यहाँ पे बच्चों को उनको काउंसलिंग करने का, कि उनकी गाइडेंस के लिए कि हाँ ठीक है उनके आगे भविष्य के लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मेरा नाम यतिन है और मैं इस कंपनी से हूँ जिसका नाम है रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकेडमी। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को पायलट्स कराती है, विच इज़ अंडर द गाइडलाइंस ऑफ DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें इंडिया का लार्जेस्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर 35 एयरक्राफ्ट प्लस हैं, 70 प्लस हमारे पास इंस्ट्रक्टर हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो ब्रांड न्यू हैं, यानी कि हम छात्रों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्र बाहर जाते हैं फ्लाइट की ट्रेनिंग लेने के लिए, वो सेम जो उनको वहाँ मिलता है अनुभव, जो उनको सामने जो बच्चा बाहर लेने के लिए जाता है फ्लाइट ट्रेनिंग, जो क्वालिटी सर्विसेज लेना जाता है, वो हम लोग इंडिया में उनके घर पे प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा लगा जी? मैम, बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग भी ऑर्गेनाइजेशन में से ऑर्गेनाइजर ही हैं, A to Z का मेंबर ही हैं,
मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। मैम इवेंट में मैनेज कर रहा हूँ, मैनेजर हूँ जी। आप लोग एडमिशन के नॉलेज लेने आए हैं जी? ITI। कोई कॉलेज चूज कर लेंगे। हम भी ITI। कौन सा कॉलेज? हम तो NDA का करने आए हैं। अभी तो हम 12th निकाले नहीं हैं, और तो 12th पास करेंगे उसके बाद ही चॉइस करेंगे ना। हाँ नॉलेज ले, हाँ नॉलेज ले आगे चल के प्रॉब्लम ना हो।